बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रीन चटनी चिकन की रेसिपी बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 500 ग्राम चिकन विद बोन्स, उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 1 कप ग्रीन चटनी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2.5 टेबल स्पून हरा मसाला पेस्ट और नमक। हरा मसाला पेस्ट, ग्रीन चटनी और गरम मसाले की रेसिपी मैं YouTube चैनल पर बता चुकी हूँ। चिकन में मसाले मिक्स करेंगे। इसी पैन में फिर चिकन को पका लेंगे। हरा मसाला पेस्ट, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि ग्रीन चटनी में भी नमक है। अब इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन में अच्छी तरह मसाला मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे। अब सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि सारी चीजें अच्छी तरह चिकन में मैरिनेट हो जाए। बघार के लिए हम लेंगे 5 टेबलस्पून ऑयल, थोड़े से कड़ी पत्ते ले लेंगे, उसको छोटे पीसेस में काट लिया है, 3 हरी मिर्च, उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और साबित जीरा 1 टीस्पून। 4 घंटे मैरिनेट करने के बाद अब इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देंगे। चिकन अच्छी तरह गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल के स्लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। अब चिकन को गलने तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसको कवर कर देंगे। चिकन तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल देंगे। थोड़ी सी ग्रेवी रहने देंगे, इसमें थोड़ा पानी और ऐड किया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और बघार करेंगे इसका। ऑयल को गरम कर लिया है, अब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। जीरा और हरी मिर्ची, बघार इसमें डाल देंगे।
हल्का सा मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे। डिलीशियस ग्रीन चटनी चिकन तैयार है। आप इसे चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।